मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए हैं। मंदिर के अंदर मौजूद लोगों के मुताबिक दर्शन करने के लिए आए वीआईपी लोगों के साथ मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते स्थिति बिगड़ गई। सावन के पहले सोमवार के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई वीआईपी दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे। महाकाल मंदिर में भगदड़ मचने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में दर्शन करने की होड़ में कई लोग एक दूसरे के ऊपर से चढ़कर आगे बढ़ गए। श्रद्धालु सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ अंदर घुसने लगे, जिससे भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। हालांकि समय रहते हालातों पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। न्यूज़ डेस्क।